अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना स्केलेडी और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजू। आज हम इस फोन का कैमरा टेस्ट करेंगे भाई। ये है क्यू मोबाइल क्यू स्मार्ट ब्लेस का, जो कि जो लोग प्राइस रेंज के हिसाब से 23,000 के प्राइस में लॉन्च किया गया है, 4GB 64GB। लेकिन इस प्राइस में जो लोग कैमरा के लिए इसे बाय करना चाहते हैं, ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। आपको क्लियर कट हम ओपिनियन देने वाले हैं प्राइस के हिसाब से कैमरा कैसा है दोस्तों। डे एंड नाइट हमने सैंपल्स ले लिए दोस्तों, वीडियो सैंपल्स भी हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल वाले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मैं बोल बोल के वैसे थक ही गया हूँ। आप कर ही लेते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, और जो नहीं करते उनकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। तो आपको हर किस्म की वीडियोस मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। यहाँ पर भाई प्राइस तो बता दी, इस फ़ोन में जो फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पर कैप्चर मोड, पोर्ट्रेट मोड, और इसके अलावा आपको वीडियो जो 1080p में रिकॉर्ड कर पाएंगे। मोर में ऑप्शन, यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी है। मोर में आपको मैक्रो और DV मैक्रो ये मिल जाते हैं। खास जो वीडियो वाले ऑप्शन हैं वो नहीं दिए गए, जैसे फिल्म मोड या दूसरे ड्यूअल वीडियो वगैरह, वो नहीं है इस फोन में। यहाँ पर भाई बैक पर 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल AI कैमरा है, प्राइस रेंज के हिसाब से वैसे नॉर्मल दिया गया है। और इसके अलावा फ्रंट कैमरा इस फोन का दिया गया आपको 8 मेगापिक्सल का। तो बहरहाल अब आपने देखना है कि ये कैमरा, बैक से हमने सैंपल्स लिए डे लाइट, तो डे लाइट सैंपल्स में दोस्तों क्लियर कट आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, मतलब कि ठीक कैमरा दिया गया है। यहाँ पर और फोन्स के कैमराज भी मौजूद हैं, बट यहाँ पर हमने इसका कैमरा देखना है कि नॉर्मल कैमरा हमने जूम करके इसलिए दिखाया है। आप देख सकेंगे दोस्तों डे लाइट में कैमरा बैक से, आप ज्यादा हाई क्वालिटी का कैमरा भी कह सकते, बिल्कुल खराब कैमरा भी नहीं कह सकते, बट यहाँ पर ऑप्टिमाइज भी नहीं किया गया। एकदम से जब आया है क्यू मोबाइल तो ऑप्टिमाइज करना चाहिए था, बस वैसा नहीं है। पोर्ट्रेट में भी देखिएगा, कहीं कहीं पर चेहरे पर भी ब्लर ले आता है, पोर्ट्रेट एजेस सही से क्लियर नहीं कर पाता। तो यह ही ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा मसला है। जो मसले अब तक रह गए, जो पहले मसले थे, वही है दोस्तों। डिजाइन पर सारा ध्यान दिया है। यहां पर लो लाइट की बात करें तो लो लाइट में भी आप देख सकते हैं, तो यहां पर कलर्स वलर्स तो ठीक आ जाते हैं कहीं पर प्राइस रेंज के हवाले से, लेकिन एक सच्चाई की है कि 13 है तो 13 ही दिया है, मतलब 50 नहीं चिपकाया कोई फेक कैमरा। ये अच्छी बात कहेंगे दोस्तों क्यू मोबाइल की। बट यहां पर लो लाइट में भी कैमरा कुछ खासा अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब प्राइस रेंज को देखते हैं उस हिसाब से ठीक है। लेकिन यहां पर प्रोसेसर कम कर दिया गया, एक चीज अच्छी होनी चाहिए थी, फिर हम कंप्रोमाइज कर सकते थे। बहरहाल भाई फ्रंट कैमरा देखें, 8 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से कैमराज जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं कलर्स फ्रंट कैमरा के। 8 मेगापिक्सल आप हॉट 30 में भी देख सकते हैं, 8 मेगापिक्सल दूसरे फोन्स में भी देख सकते हैं। किसी फोन का 5 मेगापिक्सल वो भी आपको अच्छा कैमरा मिलता है, बट यहाँ पर जो है टोटली कैमरा में कॉम्प्रोमाइज किया है भाई यहाँ पर क्यू मोबाइल ने। तो लो लाइट में भी देखेंगे फ्रंट कैमरा तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता नहीं नजर आया। यहाँ पर रूम लाइट में लिए हमने, लाइटिंग कंडीशन में सैंपल्स लिए, तो उस हिसाब से कैमरा इसका दोस्तों 8 मेगापिक्सल वाला, चाहे पता नहीं जो है वो हल्का सेंसर लगाया गया, इस वजह से रिजल्ट इतना खास नहीं आता। पोर्ट्रेट भी देखेंगे तो पोर्ट्रेट में भी नॉर्मल रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। देख सकते हैं दोस्तों ब्लरी ब्लरी कैमरा है और डार्क कैमरा दिया गया है बैक साइड से। ये देख सकते हैं दोस्तों लाइट कैप्चरिंग का कोई आसरा नहीं आपको मिलता, और यहाँ पर बैक साइड से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जूम जो है वो ओनली 4x तक मिलता है। रिजल्ट पहले ही ख़राब है और जूम करके रिजल्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस हिसाब से रिजल्ट बैक कैमरा का 1080p में रिकॉर्डिंग है, माइक की क्वालिटी आप सुन सकते हैं, मज़े की नहीं है, और रिजल्ट भी आपको डार्क मिलता है, हालांकि डे लाइट है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों बैक कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पर 1080p में रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर फोकस का भी इशू आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, फ्लिकरिंग भी कर रहा है कैमरा, और यहाँ पर देखिए एक्सपोजर कम ज़्यादा होते हुए कैसे दोस्तों पिक्सल क्वालिटी, ये देखिए बेवकूफ़ बनाया गया है पूरी तरह से, ये देखिए। तो ये चीज़ें दोस्तों देखने की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें, सिर्फ ये नहीं बस कैमरा दे दिया और बस जान छूट गई। तो बिल्कुल लो लाइट में ख़राब कैमरा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब ज़्यादा हो गई लाइट। तो ये मसाइल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए फ्रंट कैमरा देख सकते हैं दोस्तों 1080p में, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेबलाइज तो बिल्कुल भी नहीं है कैमरा, फ्लिकरिंग करता हुआ, एक्सपोजर कम ज़्यादा करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए अब एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस तरह का ये देखिए डार्कनेस वाला मामला फ्रंट कैमरा में। तो बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान ही नहीं दिया गया, एक सा कलर नहीं रहता। अब ओप्पो भी हो गई, पहले मोबाइल आते थे हालांकि 13 मेगापिक्सल कैमरा होते, लेकिन इस तरह रिजल्ट नहीं होता था, रिजल्ट आपको अच्छा मिलता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही थका हुआ रिजल्ट आप कह सकते हैं, प्राइस के हवाले से भी हम थका कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं दोस्तों। यूज़ कर रहे थे हम कैमरा तो उसमें भी थोड़ा मसला लगा हमें, फ्रंट कैमरा यूज़ करने में हैंग की प्रॉब्लम हो रही थी, जब बैक से फ्रंट और फ्रंट से बैक हम करते हैं चलाते हैं यहाँ से, तो वहाँ पर हैंग की प्रॉब्लम मिल रही थी हमें। तो ये कैमरा यूज़ करने में मसला है, यहाँ पर डार्कनेस आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा में। तो ये हकीकत है दोस्तों, ये देखिए ये फ्लिकरिंग,
लाइव देख सकते हैं दोस्तों, काफी फ्लिकरिंग कर रहा है, तो एक्सपोजर वगैरह नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, आपको पागल बनाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी ब्रांड है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर अच्छी चीज नहीं है हम अपने व्यूअर से झूठ नहीं बोल सकते। बहरहाल ये हकीकत है, आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा दोस्तों, वीडियो एंड यहाँ पर कैमरा सैंपल्स आपने देखे, यहाँ पर स्लो मोशन का भी ऑप्शन है, स्लो मोशन गुजारा दिया गया है, मतलब कि लाइट कैप्चरिंग वगैरह आपको स्लो मोशन में नहीं मिलती, यहाँ पर बिल्कुल डार्क सा स्लो मोशन दिया गया, एक जान छुड़ाने वाली बात है, कोटा पूरा किया गया है। लेकिन जब हम कैमरा भी यूज़ करते हैं तो हैंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा नहीं दिया गया, तो ये चीज़ें दोस्तों कैमरा यूज़ करने में भी आपको मसले मसाइल मिलेंगे, तो प्रोसेसर को इम्प्रूव करना चाहिए था इस हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा आप स्नैपड्रैगन का 865 लगा देते इसमें, बट ये है कि GAT 5 आ रहा है, चलो GAT लगा देते, कोई मसला नहीं था, कंप्रोमाइज कर सकते थे। लेकिन क्यू मोबाइल आया ही है इतने टाइम बाद, हम वेलकम करते हैं क्यू मोबाइल को, बट अच्छी चीज लेकर आनी चाहिए थी, सिर्फ डिजाइन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। अब मेरा तो यही ओपिनियन दोस्तों, प्राइस रेंज को देखते हुए ये फोन ज्यादा से ज्यादा 17-18 हज़ार की प्राइस में ठीक है। अब आपका क्या ओपिनियन इस फोन के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में ले जाता हूं, इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।